Hello everyone, I am Abdul Tohid, a CA finalist and certified QuickBooks Pro Advisor. As a team member in the current session, I will be covering various aspects of QBO. And today I will be focusing on general introduction of QBO. चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि क्यूबी एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके लिए ना तो आपको कोई बड़ी रैम, ज़्यादा SSD या कोई स्पेसिफिक लोकेशन, कोई अच्छा सेटअप, ऐसा इतना कुछ, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल नहीं चाहिए. सिंपल आपको एक नॉर्मल सा लैपटॉप चाहिए और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ कि क्यूकबुक्स की ऑडियंस क्या है, किन को क्यूबी इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन कर सकते हैं. ये एक स्मॉल साइज़ जो कंपनीज होती हैं या मीडियम साइज़ कंपनीज होती हैं या फ्रीलांसर्स होते हैं या अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं या जिन्होंने बुककीपिंग करनी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इन सब के लिए क्यूबी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. और भी इसके इस्तेमाल हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि कौन कौन से बंदे क्यूबी को यूज़ कर सकते. लास्ट पे मैं आपको क्यूबी के ब्रीफ बेनिफिट्स पर बता देता हूँ. सबसे पहले तो ये कि ये जो क्यूबी में आपके अकाउंट्स बन रहे होते हैं, इसको आप कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, सिर्फ एक बेसिक जो अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है उसकी बेस पे आप एक्सेस कर सकते हैं. और इसको आप कहीं पे भी, किसी भी जगह पे कोई भी ट्रांजैक्शन, बिल, इनवॉइस, उसको आप क्यूबी में एंटर करके अपडेट कर सकते हैं. और दूसरा बेनिफिट ये कि क्यूबी हमें रियल टाइम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दे रहा होता है. मतलब ये कि आपने कोई भी बिल, इनवॉइस, कोई भी ट्रांजैक्शन, कुछ भी एंटर किया, फ़ौरन से आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाती हैं. वो रिपोर्ट्स आप मंथली, एनुअली, सेमी एनुअली, वीकली, डेली, बाई मंथली, क्वार्टरली, जो आपको चाहिए, जो जिस डेट रेंज की आपको रिपोर्ट चाहिए, वो आपको रियल टाइम पे अपडेट करके क्यूबी दे रहा होता है. और तीसरा बेनिफिट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्यूबीओ हमें एक ऑप्शन देता है जिसमें हम मल्टीपल यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं. यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास अगर 6 यूज़र्स हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने अकाउंट्स पे 6 बंदे ऐसे हैं जो एट अ टाइम काम कर सकते हैं. वो एट अ टाइम कुछ बिल्स, इनवॉइसेस, ट्रांजेक्शन्स, इन सब को एंटर करके अपडेट कर सकते हैं. और चौथा इसका बेनिफिट ये है कि इसमें डेटा सिक्योरिटी भी होती है. यानी कि जिन बंदों के पास आपका लॉगिन होगा, जिन अकाउंटेंट, कोई भी आपके टीम मेंबर्स, सिर्फ उनके पास ही इनका एक्सेस होगा. कोई भी थर्ड पर्सन मतलब कि इसको एक्सेस नहीं कर सकता. और इनकी जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत अच्छी है कि कोई भी आपका डेटा इजीली मतलब एक्सेस नहीं कर सकता, डेटा ब्रीच नहीं हो सकता. तो डेटा सिक्योरिटी भी एक अच्छा फीचर है इनका, क्यूबी वालों का. पाँचवा बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि क्यूबी की जो कस्टमर सपोर्ट है ना, वो बहुत अच्छी है. वो आपके साथ किसी भी क्यूरी पे, किसी भी इशू पे लाइव चैट भी कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर करके आपको गाइड भी कर सकते हैं. मतलब आपको कोई भी इशू है, कोई भी क्यूरी है, आपने सिर्फ कस्टमर जो केयर है उनकी, वहाँ पे जाना है, वहाँ पर आ जा कर आपने उनको अपना इशू बताना है, अपनी क्यूरी बतानी है, वो फिर चैट कर लेंगे आपसे या आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको उस क्यूरी का जो सोल्यूशन है वो बता देंगे. और छठा क्यूबी का फीचर ये है कि क्यूबी की अपनी एक मोबाइल ऐप है, चाहे वो iOS है, चाहे वो एंड्रॉयड है. आप दोनों तरह के जो है डेवलपर्स, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. उनका ऐप के थ्रू आप जो इनवॉइसेस हैं वो अपलोड कर सकते हैं. मतलब आपको कोई भी स्कैनर नहीं चाहिए होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट जो या PDF एडिटर नहीं चाहिए होगा. सिर्फ आपने क्या करना है, क्यूबी की ऐप ओपन करनी है, वहाँ पर जाके फिर आपने इनवॉइस की पिक्चर लेके ऑटो उसे अपलोड कर देना है, तो डायरेक्टली आपके जो क्यूबी का अकाउंट है वहाँ पर अपलोड हो जाएगी एक्यूरेटली. सो ये कुछ चंद एक बेनिफिट थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं. इसके अलावा मज़ीद बहुत सारे बेनिफिट हैं जो इंशाल्लाह आप इस सेशन के एंड पे, जब आप ये सेशन अटेंड कर चुके होंगे और क्यूबी यूज़ कर चुके होंगे, देन आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा कि आप क्यूबीओ से किस तरह बेनिफिट ले सकते हैं और क्यूबीओ आपको किस तरह से बेनिफिट दे सकते हैं. चले नेक्स्ट वीडियो में मिस्टर ज़ायद आपको फिर क्यूबीओ की सब्सक्रिप्शन के बारे में बताएंगे, मतलब कि क्यूबीओ आपको कितनी तरह के प्लान्स ऑफर करता है और हर प्लान्स के कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन सा प्लान लेना चाहिए आपके बिज़नेस के लिए, कौन सा प्लान सूटेबल है, कौन सा नहीं है, बेसिक बिज़नेस के लिए कौन सा प्लान है, मीडियम साइज एंटिटी के लिए कौन सा बिज़नेस प्लान है, उन सबको इंशाल्लाह मिस्टर ज़ायद एक्सप्लोर भी कराएंगे, आपको परचेज करना भी सिखाएंगे और कंपनी का जो सेटअप है इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट वीडियो में मिस्टर ज़ायद आपको करना सिखाएंगे. थैंक यू सो मच.